welcome dear students in this basic electrical engineering course we are going to discuss magnetically coupled circuit after completing this module you will be able to describe self inductance and mutual inductance you will be able to define coefficient of coupling and you will be able to describe the modeling of coupled circuits एंड सीरीज कनेक्शन ऑफ कपल्ड क्वाइल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंस रखता है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक का इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है इस टॉपिक का अगर हम लिंकिंग देखें तो ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे कि क्वाइल्स कपल्ड होते हैं इन बिटवीन देर आर समर्स तो क्वाइल्स की कपलिंग ट्रांसफार्मर के केस में होती है ठीक है और साथ ही साथ जितने भी ट्यून्ड सर्किट होते हैं वहां पर कपलिंग तो होनी ही होनी है तो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो सर्किट्स मिलेंगे वहां पर कपल सर्किट का फॉर्मेशन होता है इसलिए वहां पर भी हम इसको इसका यूज पाएंगे साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ दीज कपल सर्किट्स आर इन ट्यून्ड सर्किट्स, ट्यून्ड एम्पलीफायर्स, तो ओवरऑल एप्लीकेशन तो एक ही जैसा है ट्यून्ड सर्किट में है बट इसका जो इंपॉर्टेंस मैंने बताया वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज़्यादा, राइट तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इंडक्टेंस कपल सर्किट में सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस वॉट इज सेल्फ इंडक्टेंस देखिए किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो होती है और जब करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है या यूं कहें किसी भी सर्किट में अगर कोई क्वायल यूज हो रही है और उसमें हम करंट चेंज कर रहे हैं करंट इंक्रीज कर रहे हैं या करंट डिक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक देर विल बी अ लिंकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इफ देर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स देन ई एम एफ विल गेट इंड्यूस्ड एज पर द लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड थेरी और यू कैन से द फाड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन तो वहां पर एक ई एम एफ होगा और वो ई एम एफ इसके प्रोपोर्शनल होगा ई एम एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स राइट तो मैंने क्या बताया इफ देर इज अ सर्किट एंड इन दैट सर्किट देर इज अ क्वायल इफ यू आर फ्लोइंग द करेंट इन टू दैट पर्टिकुलर क्वाइल आर सर्किट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी लिंक्ड पैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन और वो ई एम एफ क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं इक्वेश को फाइंड आउट डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे इस कंसेप्ट पे बेस्ड ई एम एफ सपोज इज वी एंड इट विल बी प्रोपोर्शनल टू डेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट अगर रिमूव करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आएगा दैट कॉन्स्टेंट इज एल एंड दिस एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेड So, here this V is induced EMF or voltage. This L is the proportionality constant or self inductance, and the unit of self inductance is Henry. ये आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब हमने स्टार्ट किया था बेसिक एलिमेंट्स वहां पर मैं बता चुका हूं ठीक है एंड दिस डी आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट राइट ऑल्सो वी नो दैट This l is phi by i times n where n is the number of turns in the coil so l is n phi by i right therefore from equation 1 What will be the induced voltage now? Substitute the value of I in equation number 1 So L and I is n phi by L. तो so, यहाँ पर L constant है, L gets cancelled. तो यह आ जाएगा n is constant, तो d phi by dt. तो so, आप देखिए हमने starting में जब ये topic start किया था तो हमने एक डेफिनेशन बताई थी कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है देखिए जब हमने यहां पर मेंशन किया तो लिखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो ये डिराइव करने के लिए लिखा और हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो यहां पर वो चीज डिराइव हो गई वो जो हमने कहा था डी फाइव बाई डी टी इफ नंबर ऑफ टर्न इन द क्वायल इज वन देन एन इक्वल्स टू वन तो v इक्वल्स टू एन डी फाइव बाई डी ठीक है अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स है ये नेगेटिव भी हो सकता है तो यहां पर जो emf हो सकता है माइनस एन डी फाइव बाई डी भी हो सकता है और जनरली हम लेते हैं बट यहां पर हमारा वो कंसर्न नहीं है तो क्यों होता है कैसे होता है वो हम देखेंगे बाद में तो यहां पर इंड्यूस वोल्टेज क्या आ गया n डी फाइव बाई डी क्वेशन नंबर थ्री ठीक है अब इक्वेशन वन एंड थ्री को इक्वेट कीजिए फ्रॉम क्वेश्चन वन एंड थ्री एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी यहां से एल क्या आ जाएगा एन डी फाई बाई डी आई तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू एन टाइम्स डी फाइव बाई डी आई वेर फाइव द फ्लक्स एंड आई इज द करंट। तो हम फ्लक्स किसके रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं करंट के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है और हमने यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस का जो मैग्नीट्यूड वो फाइंड आउट कर लिया तो एल इक्वल्स टू एन फाइव बाई आई ये ब्रॉड सेंस में है जो इक्वेशन नंबर टू में लिखा है ये इन जनरल है इसको हम कह सकते हैं ये ब्रॉडवे में बट एक्चुअल डेफिनेशन इज दिस वन जो इक्वेशन फोर में हमने लिखा एल इक्वल्स टू एन डी फाइव बाई डी राइट सो दिस इज अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस नाउ कमिंग टू म्यूचुअल इंडक्टेंस और जनरली हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए यहां पे दो क्वायल हैं, ठीक है एक क्वायल लेफ्ट हैंड साइड में एक क्वायल राइट हैंड साइड में दोनों क्वाइल को हमने पास में लाया फर्स्ट क्वायल का जो सर्किटरी है उसमें करंट आई वन फ्लो करी है सेकेंड क्वायल जिस सर्किट में उसमें करंट आई टू फ्लो ठीक तो यहां पर दो क्वायल्स हैं, क्वायल वन क्वायल टू क्वायल वन में आई वन करंट फ्लो कर रही है क्वाइल टू में आई टू करंट फ्लो कर रही है एंड ईच क्वाइल विल लीकेज फ्लक्स क्वायल वन में क्या होगा देखिए जो क्वायल वन में फ्लक्स लिंकेज होगा वो कुछ ऐसे लिंक होगा और क्वायल टू में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो कुछ ऐसे होगा तो जो क्वाइल वन में फ्लक्स लिंक हो रहा है दैट इज फाइव और क्वाइल टू में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है that is 522. क्योंकि फ्लक्स इन क्वायल के बीच में क्योंकि ये पास में रखी हुई है तो एक दूसरे जो फ्लक्स है क्वायल के वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे या फिर उसमें कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा तो म्यूचुअल लीकेज होगा और वो म्यूचुअल लीकेज जो होगा वो होगा क्वायल वन और क्वायल टू के बीच में एंड दैट म्यूचुअल म्यूचुअल लीकेज बिकॉज ऑफ वन इन टू इज फाइव वन टू और इन टू 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 वन इज फाइव टू वन तो ये जो म्यूचुअल लीकेज फ्लक्स है म्यूचुअल फ्लक्स जिसको हम कहेंगे वो दोनों इक्वल होंगे ठीक है तो देखो यहां पे जो लीकेज फ्लक्स है इनक्वाय वन दैट इज फाइव वन वन दैट इज फाइव टू टू एंड म्यूचुअल फ्लक्स दैट इज फ्लक्स ऑफ क्वाइल टू लिंक्स क्वाइल वन और फ्लक्स ऑफ क्वाइल वन लिंक्स क्वाइल टू तो ये म्यूचुअल फ्लक्स क्या होगा फाइव वन टू और फाइव टू वन ये दोनों इक्वल हों ठीक है, तो ये तो हो गया जो डायग्राम ने ड्रॉ किया था उसके बारे में हमने बता दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस अब क्वायल है तो उनका सेल्फ फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा तो हमने डिफरेंट फ्लक्सेस की बात यहां पर कर ली है। अब हमें क्या फाइंड करना है जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है क्वाइल टू में ड्यू टू करंट आई वन वो कितना होगा देखते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज इन क्वाइल टू सपोज दिस इज वी टू और वी टू की वैल्यू क्या होगी अभी हमने बताया था कि इंड्यूस वोल्टेज क्या होता rate of change in flux, है अगर नंबर ऑफ टर्स एन है तो एन इंटू डी फाइव बाई डी टी तो वी टू हो जाएगा एन टू डी फाइव बाई डी फाइव टू बाई टी बाई वन टू डिवाइडेड बाई डी टी फाइव टू क्या हमने बताया कि फाइव इज म्यूचुअल फ्लक्स इन क्वाइल टू बिकॉज ऑफ करंट आई वन ठीक है वेयर क्वायल वन में नंबर ऑफ टर्न्स एन वन है क्वायल टू में नंबर ऑफ टर्न्स एन टू है ठीक है यह हमने कर तो इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर वन फाइव वन टू इज रिलेटेड टू करंट ऑफ क्वायल वन जैसा कि मैंने बताया करंट ऑफ क्वायल वन फाइव टू प्लस इन क्वायल टू ड्यू टू करंट आई वन ठीक है तो करंट आई वन की वजह से जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा रेट ऑफ चेंज इन करंट टू प्रपोर्शनल टू डी आई वन अपॉन डी टी और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट अगर हम यहाँ पर रिमूव करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा एम बी टूल टू वन अपॉन डी टी वेर एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिये हमने सेल्फ इंडक्टेंस की बात यहां पर नहीं की है वायल टू में जो भी फ्लक्स जन इंड्यूस हो रहा है या जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ करंट आई वन हम बात कर रहे हैं वोल्टेज किस में फाइंड कर रहे हैं वी टू क्वायल टू में और करंट कौन सी कंसीडर कर रहे हैं क्वायल वन में जो करंट फ्लो कर रही है इसका मतलब क्वायल वन की वजह से जो फ्लक्स क्वायल टू में लिंक हो रहा है और उसकी वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो हम फाइंड कर रहे हैं इसलिए सेल्फ की बात यहां पर नहीं आएगी डेफिनेशन सेम है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की सेल्फ इंडेक्टेंस भी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट होता है और म्यूचुअल इंडेक्टेंस भी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है बट म्यूचुअल इंडेटेंस इज बिकॉज ऑफ द करेंट फ्लोइंग दिस इज इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू आप यहां पर देखिए एम डी आई वन अपॉन डी टीवल्स टू तो यहां से m आप सॉल्व कर सकते हैं एन टू ई फाइव वन टू अपॉन ई आई वन सिमिलरली ये हमने क्या किया वोल्टेज इंड्यूस्ड इन क्वाइल टू से हमने डिराइव किया म्यूचुअल इंडक्टेंस सिमिलरली हम कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बिकॉज ऑफ Current I2 flowing in coil 2. So, here what Number of turns N1, phi one upon di 2 This is due to current I2. And mutual flux is phi21. फाइव वन टू फाइव टू वन दोनों सेम होंगे बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स जिन क्वाइल्स के बीच में हो रहा है उनके नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हैं एन वन एन एन टू अगर दोनों क्वाइल्स के बीच में मीडियम एयर है सपोज तो कोई कोर नहीं है कोई लिक्विड मींस कोई ऐसा मीडियम लिक्विड मीडियम कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट वाटर ना जो कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है मींस उसका कंडक्शन लिमिटेड होना चाहिए तो अगर कोई ऐसा मीडियम नहीं है एयर मीडियम है तो उस केस में जो फ्लक्स है और करंट्स है वो लीनियरली रिलेटेड होंगे मींस उसमें रेट चेंज ऑफ रेट नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है एन टू फाइव अपॉन आई वन या फिर वन में है वो हो जाएगा फाइव टू वन अपॉन आई टू लीनियरली रिलेशन हो जाएगा okay? तो यहां पर लीनियर रिलेशन में डी फाइव अपॉन डी आई नहीं आएगा सिमिलरली फाइव अपॉन आई का रिलेशन आप यूज ठीक है तो अभी तक हमने आपको बताया कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है ऑफिशियंट ऑफ कपलिंग what is coefficient of coupling coefficient of coupling is defined as the fraction of it is defined as the fraction of total flux that links the coil this is simple simply definition of coefficient of coupling and coefficient of coupling is denoted by k So k that is the coefficient of coupling is the fraction of total flux that to the links the coil hai na? so total flux. फाइव वन टू हो सकता है या फाइव टू वन हो सकता है और उनका जो अपना लिंकेज फ्लक्स है 5, 1 या 5, तो अगर क्वायल वन में लिंक हो रहा है या फिर क्वाइल टू में लिंक हो रहा है तो उनका फ्रैक्शन ऑफ फाइन कर लीजिए दैट गिव दैट विल गिव यू दफिशियंट ऑफ कपलिंग दिस इज द डेफिनेशन अब आपको पता है कि फाइव वन टू एंड फाइव टू वन आज द म्यूचुअल फ्लक्स और ये जो म्यूचुअल फ्लक्स होते हैं जो लिंकेज फ्लक्स है क्वायल में सेम क्वायल में फाइव वन एंड फाइव टू फाइव वन एंड फाइव टू आर द लिंकेज फ्लक्स इन क्वाइल वन एंड क्वायल टू सेपरेटली है ना क्वायल वन में कितना लिंकेज फ्लक्स फाइव वन और फाइव टू क्या है क्वाइल टू में जबकि फाइव वन टू एंड फाइव टू वन आर द म्यूचुअल फ्लक्स इन क्वाइल वन बिटवीन क्वायल वन एंड क्वायल टू फाइव वन टू और फाइव टू वन हमेशा फाइव वन फाइव टू से स्मॉलर होंगे सिंस फाइव वन टू इज लेस देन फाइव वन एंड फाइव टू वन इज लेस देन फाइव टू एंड मैक्सीम वैल्यू ऑफ के विल बी और ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप या यू कहें जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसका एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑफ कपलिंग क्या हो सकता है वो वन होगा वो वन किस केस में होगा जो म्यूचुअल फ्लक्स है और जो उसको का अपना लिंकेज फ्लक्स है या लीकेज सॉरी नॉट लिंकेज लीकेज फ्लक्स है अगर वो दोनों सेम होते हैं उस केस में फिशियंट ऑफ कपलिंग वन होगा अदरवाइज कॉफिशियंट ऑफ कपलिंग हमेशा लेस दैन वन आएगा तो so, सिंपली हम कह सकते हैं कि कॉफिशियंट ऑफ कपलिंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन राइट एज वी नो एम इक्वल्स टू एन टू फाइव टू अपॉन आई वन एंड अगर दूसरी क्वाइल में करें क्वाइल वन में तो ये होगा फाइव टू अपॉन आई टू अभी हमने देखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल्स टू एन वन एन टू लिख देते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग फाइव वन टू फाइव टू वन अपॉन आई वन आई टू ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एम स्क्वायर एन वन इंटू एन टू एंड वॉट इज के तो इसको हम लिखे फाइव वन टू अपॉन फाइव वन और फाइव वन अपॉन आई वन फाइव वन से मल्टीप्लाई कर दिया फाइव वन से डिवाइड कर दिया देन फाइव टू अपॉन फाइव टू फाइव टू वन अपॉन फाइव टू और फाइव टू अपॉन आई टू लिख दें तो ये हो जाएगा एन वन एन टू और कॉफिशियंट ऑफ कपलिंग की डेफिनेशन जो है के इक्वल्स टू फाइव एन टू अपॉन फाइव वन तो यहां पर एक के आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय फाइव वन अपॉन आई वन के आ जाएगा फाइव टू अपॉन आई टू एम स्क्वायर अब इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं एन वन फाइव वन अपॉन आई वन एन टू फाई टू अपॉन आई टू के स्क्वायर और एन टाइम्स फाई अपॉन आई इज सेल्फ इंडक्टेंस तो ये एल वन सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा ये एल टू सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा इन टू के स्क्वायर एम स्क्वायर तो यहां से एम की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर रूट एल वन इन एल टू तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द कॉफिशियंट ऑफ कपलिंग मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ एल वन एल टू और यू कैन से रूट ऑफ एल वन एल टू इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू सेल्फ इंडक्टेंस राइट तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द कॉफिशियंट ऑफ कपलिंग इन टू द जोमेट्रिक मीन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ठीक है तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आगे यूज ठीक है समझ तो में आ गया यहां तक नाउ नेक्स्ट इज सीरीज कनेक्शन ऑफ कपल्ड क्वाइल्स मीन्स हमारे पास क्वाइल्स हैं उनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो क्या उसका रिजल्टेंट मींस उसका रिजल्ट क्या होगा ये देखना है ठीक है तो सीरीज में सपोज हमारे पास दो क्वाइल हैं एल वन एंड एल एक L1 वन है एक L2 टू है, है और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है Means जो इसमें करंट आई फ्लो कर रही है वो आई हमें यहां पर भी मिल रही है ये क्वायल है एल वन ये क्वायल है एल टू तो जब करंट फ्लो कर रही है तो इस क्वायल में वोल्टेज ड्रॉप होगा वी वी वन एंड वी टू और इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो एक तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है एक एक क्वाइल एक और सेकेंड क्वाइल ये है तो फर्स्ट क्वाइल वन का जो सेकेंड टर्मिनल है वो कनेक्टेड है सेकेंड क्वाइल के फर्स्ट टर्मिनल ठीक है दिस इज एंटरिंग ऑन एंट्रिंग ऑफ द करंट एंड दिस इज एग्जिट ऑफ द करंट ये कॉइल L2 है इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है और इसके क्रॉस तो की करंट ऐसे फ्लो हो रही ऐसे फिर ऐसे जा ठीक है तो ये दो कॉम्बिनेशन हो गए और इनके बीच भी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 लिख सकते हैं One two refers the mutual inductance between coil one and coil two So, there are two coils having self inductance l one and l two and the mutual inductance in between m one two right? The potential drop across the coil one is v one and potential drop across coil two is v two. So what will happen? and m one two is the mutual inductance. फ्रॉम फिगर वन बी वन इक्वल्स टू एल वन डी आई बाई डी टी प्लस एम वन टू डी आई बाई डी टी तो क्योंकि जो वी वन वोल्टेज ए क्रॉस एल वन है वो क्या होगा उसमें जो सेल्फ लिंकेज फ्लक्स है सेल्फ जो फ्लक्स है उसमें या लीकेज फ्लक्स ऑफ क्वाइल एल वन उसकी वजह से तो होगा ही जो उसमें करंट फ्लो कर रही है साथ ही साथ उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा बिकॉज ऑफ द क्वाइल एल टू तो एल टू की वजह से कौन सा इंडक्टेंस है म्यूचुअल इंडक्टेंस एम वन टू तो इसलिए जो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा वी वन ये होगा एल वन डी आई बाई डी तो इसको हम लिख सकते हैं एल वन प्लस And B2, by DT, plus by DT. क्योंकि सेकेंड साइड में फर्स्ट फिगर की बात कर रहा हूं वी टू क्या होगा एल टू में जो भी लीकेज फ्लक्स है उसकी वजह से जो उसमें करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा ही साथ साथ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे ठीक है क्योंकि करंट का डायरेक्शन सेम है एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो यहां पर भी ये क्या आ जाएगा एल टू प्लस एम वन टू टी आई बाई टी क्वेश्चन नंबर टू तो नेट वोल्टेज क्या होगा नेट वोल्टेज यहां से लेके यहां तक दैट इज वी तो नेट वोल्टेज होगा from equation 1 and 2 and suppose m1 2 is m so here will l1 plus l2 plus 2m K by dt और इसको आप कंपेयर कीजिए नेट इंडक्टेंस से तो कंपेयर करेंगे तो यहां से एल क्या आ जाएगा एल वन प्लस एल टू प्लस एम तो सीरीज में अगर ऐसे जुड़े हों जो फर्स्ट फिगर है फिगर वन ऐसे अगर कनेक्शन हो तो जो नेट सेल्फ इंडक्टेंस आएगा एल वन उनके जो इंडिविजुअल सेल्फ इंडक्टेंस है उनका साम प्लस उनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ट्वाइस ऑफ दैट ठीक है अब हम सेकेंड सर्किट में आते हैं सेकेंड सर्किट भी सेम है बट इसमें क्या किया है कि पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया है ठीक है तो यहां से तो V1 है और यहां जब पोलैरिटी रिवर्स है तो उसके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा From figure 2 तो यहां पे v1 आएगा वो आएगा l1 वन माइनस एम ई आई बाई डी टी और जो v2 आएगा वो आएगा l2 टू माइनस एम ई आई बाई डी टी यहां पर जो नेट वोल्टेज आएगा वो L1 वन प्लस एल टू माइनस ट्वाइस एम बाई और यू कहें कि जो L होगा नेट वो होगा L1 वन प्लस एल टू माइनस इन द सेकेंड पार्ट ठीक है तो दीज आर दीरीज कनेक्शन जो हमने दोनों सर्किट में देखे अगर पोलैरिटी रिवर्स हो गई माइनस टू प्लस जा रहा है मींस करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है है ना और फर्स्ट कॉइल का सेकंड सेकंड कॉइल के फर्स्ट से कनेक्टेड है प्लस माइनस प्लस माइनस पोलैरिटी में सीरीज कॉम्बिनेशन में तो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उनके ऐड होंगे ट्वाइस ऑफ दैट है ना और अगर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कॉइल के हमने टर्मिनल्स को पलट दिया तो -2m आ जाएगा ठीक है So, इसी सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडलिंग ऑफ कपल सर्किट अब मॉडलिंग का मतलब क्या है अभी तक तो हमने क्वाइल्स को सेपरेटली देखा स्टडी किया अब अगर ये क्वाइल किसी सर्किट में कनेक्टेड है उस सर्किट में कोई एलिमेंट हो सकते हैं आर और फिर क्वायल है वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है तो उस सर्किट में देखते हैं इन कपल सर्किट का बिहेवियर क्या होगा और उसमें हम केवीएल केसीएल कैसे यूज करेंगे ठीक है सपोज अब आप देखिए हमने यहां पर सर्किट ड्रॉ किया कपल सर्किट है एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में इनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस एम है और दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस एल वन एंड एल टू है लेफ्ट हैंड साइड में हमने V1 वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया राइट हैंड साइड में V2 वोल्टेज सोर्स दोनों अल्टरनेटिंग करंट सोर्सेज हैं और फर्स्ट सर्किट में I1 करंट फ्लो कर रही है सेकंड सर्किट में I2 फ्लो तो इसमें लूप करंट्स भी क्या हो जाएंगी I1 और राइट साइड में लूप करंट क्या हो जाएगी I2 ठीक तो लूप करंट्स अगर I1 I2 हैं तो बाय के लूप वन V1 इक्वल्स टू R1 I1 प्लस एल वन डी आई वन बाई डी टी प्लस एम डी आई टू बाई डी टी अब देखिए हमने डी आई टू क्यों लिखा ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है इस इक्वेशन में इक्वेशन वन में बिकॉज ऑफ करंट आई टू आ रहा है तो आई टू करंट की वजह से सर्किट वन में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो गया एम इसलिए यहां पर एम डी आई टू बाई डी टी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम बता चुके हैं सिमिलरली V2 टू इक्वल्स टू क्या होगा दिस इज R2 टू तो आर टू आई टू प्लस एल टू डी आई टू बाई डी टी प्लस एम अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी वजह से करंट I1 की वजह से है इन लूप टू इक्वेशन नंबर टू राइट ये तो हमने आपको सिंपल केवीएल इक्वेशंस बताई लूप वन एंड लूप टू में कैसे लिखते हैं ओके okay? अब अगर यहां पर करंट के डायरेक्शन हम चेंज कर दें सपोज आई वन का डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज और आई टू का डायरेक्शन इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज दोनों लूप में अपने अपने डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं या तो हम वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी को चेंज कर दें या फिर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो यहां पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का साइन है वो चेंज हो जाएगा तो या फिर हम यू कहें कि इनके जो फ्लक्स हैं क्वाइल्स के अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को तो क्या लिखेंगे इफ तो जब अपोज करेंगे तो जब म्यूचुअल जो उनका म्यूचुअल फ्लक्स है वो अपोज हो जाएगा मींस उनके साइन चेंज हो जाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का साइन चेंज हो जाएगा तो आर वन आई वन प्लस एल वन डी आई वन बाई डी माइनस एम डी आई टू बाई डी टी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थ्री एंड इक्वेश तो हमने इक्वेश को लिखा टाइम डोमेन में और ट्रांजियंट रिस्पॉन्स है मीन ये ट्रांजियंट इक्वेश आप कह सकते हैं अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन dt टी इज omega. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा इन इक्वेशंस I1 आर वन आई वन प्लस j omega. तो हम लिखेंगे जे ओमेगा एल वन आई वन माइनस ए ओमेगा एम आई टू बी टू इज आर टू आई टू प्लस जे ओमेगा एल टू आई टू माइनस जे ओमेगा एम आई वन तो ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगी फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं आर वन प्लस जे ओमेगा एल वन आई वन माइनस जे ओमेगा एम आई टू और सेकेंड इक्वेशन में है। ये तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर और अगर हम इक्वेशन वन एंड टू को कंसीडर करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस साइन आ जाएगा तो हम एक ही में कलर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं प्लस और ये होगा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग राइट right. तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे इन दोनों वोल्टेजेस को जो इंड्यूस वोल्टेज हुए हैं V1 वन टू इक्वल्स टू V1 वन टू ए फंक्शन ऑफ आई वन एंड आई टू तो आपको पता है कि टू पोर्ट नेटवर्क्स में वो किस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ओपन सर्किट इंपीडेंस तो ये हो जाएगा जेड वन वन जेड वन टू जेड टू वन जेड टू वन जेड टू टू आई वन आई टू यहां से आपको पता है जेड वन वन कितना आ जाएगा आर वन प्लस जे ओमेगा एल वन जेड टू एंड जेड वन टू इक्वल्स टू जेड टू वन इक्वल्स टू माइनस जे ओमेगा एम या फिर आप कह सकते हैं प्लस जे ठीक है तो ये हमने इंपीडेंसेस सॉल्व कर लिए कहा से इन दोनों इक्वेशन से उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसको हमने कहा से कंपेयर किया ओपन सर्किट इंपीडेंस पैरामीटर से ठीक है तो ये इंपीडेंसेस आगे उस नेटवर्क के तो अगर हमें ऐसा कोई कपल सर्किट दिया हो ये और इसके हमें इंपीडेंसेज सॉल्व करने हैं तो देखिए अगर इन L1, L2 को आप थोड़ा सा कंबाइन कर दीजिए तो टी सर्किट टी नेटवर्क बना रहा है और टी नेटवर्क में Z11, Z12, Z21, Z22 कैसे सॉल्व करते थे आपको पता है ठीक है तो आई होप ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है और मॉडलिंग ऑफ द कपल सर्किट आपको समझ में आ गया होगा तो अभी हमने इस लर्निंग मॉड्यूल में देखा कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं इन दोनों को व्हाट इज कॉफिशियंट ऑफ कपलिंग और कॉफिशियंट ऑफ कपलिंग का इंडक्ट सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स में जो फॉर्मुला डिराइव किया के इक्वल्स एम इक्वल्स टू के रूट ऑफ एल वन एल टू देन वी हैव सीन दीरिज कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाइल्स एंड द मॉडलिंग ऑफ दीज क्वायल मॉडलिंग मीन्स अगर इन हम क्वाइल्स को किसी भी सर्किट्री में इनकॉर्पोरेट करते हैं और कपलिंग फॉर्म होती है तो उसमें उस सर्किट का बिहेवियर क्या होगा उसमें हम कैसे मैश इक्वेशंस लिखेंगे और कैसे उस सर्किट के हम इम्पीडेंसेस या डिफरेंट पैरामीटर सॉल्व करेंगे तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप दैट यू हैव अचीव द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स फर्स्ट डिस्क्राइब सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉट एल इक्वल्स टू एन डी बाई बाई डी आई फाइवी रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट किया म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू क्वाइल्स तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी एक कांस्टेंट पैरामीटर है जिसकी यूनिट हेनरी होती है जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है बट म्यूचुअल इंडक्टेंस एग्जिस्ट बिटवीन द टू क्वाइल्स राइट ये हमने इसमें डिस्क्राइब किया देन हमने फाइंड आउट किया वॉट इज कॉफिशियंट ऑफ कपलिंग कॉफिशियंट ऑफ कपलिंग इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ फ्लक्स टू द टोटल मीन टू द फ्लक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाइल तो फ्रैक्शन ऑफ फ्लक्स

उसमें हमने देखा कि अगर दो तो क्वाइल सीरीज में कनेक्टेड हैं उसमें करंट फ्लो कर रही है और उसमें वोल्टेज ड्रॉप प्लस माइनस प्लस माइनस क्वाइल के बीच जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो सपोज एम है तो उसका नेट सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा एल वन प्लस एल टू मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल्स प्लस ट्वाइस ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन बिटवीन देम अगर हम किसी भी एक क्वायल को रिवर्स फैशन में कनेक्ट करते हैं मीन्स उनके टर्मिनल्स को रिवर्स कर देते हैं तो उनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो निगेटिव हो जाएगा तो वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ जाएगा नेट सेल्फ इंडक्टेंस एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम और मॉडलिंग ऑफ कपल सर्किट में हमने मैश क्वेश्चन को यूज किया मैश क्वेश्चन को यूज करने के बाद हमने उसमें डिफरेंट इंपिडेंसेस फाइंड किए मींस पोर्ट वन साइड में इंपीडेंसेस क्या होंगे पोर्ट टू साइड में इंपीडेंस क्या होगा और कॉमन इंपीडेंस क्या आएगा ठीक है तो ये हमने यहां पर इस लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस किया है